मैं हूं अभिषेक बारेट, आदर स्वीकार करें। लता दीदी चली गई हैं, वो मासूम और सुरमई आवाज़ जो दुनिया जहान में सिर्फ उन्हीं के पास थी, वो अब आगे किसी गीत को जादुई रूप नहीं दे पाएंगी। पर विज्ञान के अपने आयाम हैं, विज्ञान का काम ही शोध करना है और नतीजों से दुनिया को लाभान्वित करना है। जैसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके ब्रेन को संरक्षित किया गया था और लगातार उस पर कई वैज्ञानिक शोध हुए कि आखिर उनके दिमाग की विलक्षण बुद्धि के पीछे कोई विशेषता तो नहीं है। अब शोध के नए कई नतीजे दुनिया के सामने हैं। नोबेल विजेता आइंस्टीन की मृत्यु के बाद 1955 में उनके दिमाग को 240 अलग अलग ब्लॉक्स में अलग करके वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए सौंप दिया गया था। इतने वर्ष बीतने के बाद इन ब्लॉक्स में से ज़्यादातर नमूने अलग अलग शोधकर्ताओं के शोध कार्यों के दौरान खो गए हैं, पर उनसे आए नतीजे कागजों पर दर्ज कर लिए गए हैं। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन की ब्रेन की टिपिकल एनाटॉमी पर बहुत कम जानकारी अभी तक विश्व के सामने आ पाई है, पर प्रसिद्ध अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एक शोध में प्रसिद्ध पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे के निजी संग्रह में मौजूद आइंस्टीन के ब्रेन से जुड़े कई कीमती खुलासे हुए हैं। पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे के शोध के दौरान आइंस्टीन के दिमाग की तुलना 85 अन्य ह्यूमन ब्रेन्स के साथ की गई थी। इसमें सभी मस्तिष्कों का वजन तो 1230 ग्राम के करीब ही पाया गया, यानी आइंस्टीन का दिमाग वजन में आम इंसान जैसा ही था, पर दिमाग के ऊपर पाए जाने वाले फोल्ड्स किसी भी आम व्यक्ति के ब्रेन की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। इस रिसर्च के दौरान आइंस्टीन के ब्रेन के 240 ब्लॉक्स को फिर से रीयूनाइट किया गया और उनकी एक खास मैपिंग हुई। अब नतीजों में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट डीन फॉक के अनुसार शोध से आए नतीजे बेहद उत्साहजनक थे। उनके अनुसार ये साबित हुआ कि उन पहले की मान्यताओं की पुष्टि होती है कि आइंस्टीन के दिमाग की असामान्य बनावट को आइंस्टीन की बुद्धिमत्ता से जोड़ा गया था और वो सही है। फॉक ने लिखा है कि आइंस्टीन का दिमाग उनके फेस और माउथ को नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने वाले हिस्सों में आकार में थोड़ा अधिक बड़ा था, जो आमतौर पर सामान्य लोगों में नज़र नहीं आता। फॉक के अनुसार ये बड़े हिस्से ही हों जिनसे उनका कंसंट्रेशन और समय से आगे की शायद उनकी सोच जुड़ी हो। अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत के 7.5 घंटे के अंदर ही ऑटोप्सी में उनका ब्रेन उनकी बॉडी से बाहर निकाल लिया गया था। अब बात लता मंगेशकर के असाधारण वोकल कॉर्ड की, जिसके लिए आज तक जैसे न्यूज चैनल ने भी संभावना जताई है कि हो सकता है कि अमेरिका में लता जी के गले पर कई शोध किए जा सकते हैं, ऐसे में उनके पार्थिव शरीर से उनका गला निकाला जाए। हालांकि लता दीदी अब पंच तत्व में विलीन हो गई हैं, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि उनके वोकल कॉर्ड को प्रिजर्व किया गया हो। अगर ऐसा होता है तो स्वर कोकिला के असाधारण कंठ के कई अनसुलझे रहस्य दुनिया के सामने आ सकते हैं। लेकिन एक अबूझ पहेली हमेशा रहेगी कि वोकल कॉर्ड को कमांड करने के लिए संगीत की इतनी गहरी समझ ब्रेन में छिपी हो सकती है। गले का आकार उस अद्वितीय बोध के साथ हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ता है, यानी लता जी के पास समग्र रूप से ब्रेन और वोकल कॉर्ड दोनों ही दुर्लभतम रहे होंगे। खैर, ये कपोल कल्पना आधारित वीडियो नहीं है, ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है जब असाधारण लोगों के ऑर्गन सहेजे गए हों। जर्मन गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक का दिमाग भी शोधार्थियों की रुचि रहा। 1855 में मौत के बाद रुडोल्फ वैगनर नामक वैज्ञानिक ने उनके दिमाग की जांच की थी। इसके अलावा व्लादिमीर लेनिन के दिमाग को भी उनके शरीर से निकाल कर जाँचा गया था। आप क्या चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अलविदा लता जी।